अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ। परसों शाम से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। तो नाश्ते के लिए मुझे जो भी सामान लगता है, रस, ब्रेड या फिर एग्स वगैरह। एग तो खैर मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। दूध भी ख़त्म हो गया था तो मैंने दूध भी एक पैकेट मंगवा लिया था। बाकी मॉर्निंग में आता है दूध हमारे यहाँ, तो अभी फ़िलहाल मैंने रात के लिए मंगवा लिया था दूध भी। तो मैं रात में ही सारा नाश्ते का सामान मंगवा लेती हूँ, जितना भी होता है, जो भी चीज़ ख़त्म हो गई होती है। और दही भी मैंने मंगवाया था और प्याज वगैरह मैंने कट करके रखी थी, हमने खाया था। उसके बाद खाना और रस वगैरह मैं फौरन ही डब्बे में डाल के रखती हूँ ताकि उनमें मॉइस्चर ना आए। पैकेट से निकाल कर सीधा उन्हें एक डब्बे में मैं रख देती हूँ जो कि एयर टाइट है। और उसके बाद में मैं बनाने लगी थी शीर खुरमा। मेरे हस्बैंड का मन कर रहा था शीर खुरमा खाने का, तो मैंने शीर खुरमा बनाया है और सेकंड टाइम बना रही हूँ मैं ईद के बाद। घी डाल लिया है और जो बारीक वाली सेवइयाँ थी उनको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है घी में। मेरे हस्बैंड को शीर खुरमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने शाम में ही बना लिया था ताकि उन्हें मॉर्निंग में भी, उन्हें ठंडा करके खाना ज़्यादा पसंद है, गर्म से ज़्यादा उन्हें फ्रिज में रख के खाना शीर खुरमा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने अभी ही बना दिया है ताकि मॉर्निंग में भी वो नाश्ते में ले लें। और थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें एक्स्ट्रा बनाने के लिए और ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और आज मैंने साथ में ही इन्हें फ्राई किया है, सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ फ्राई किया है। उस दिन मैंने इसलिए सब चीज़ों को एक एक करके फ्राई किया था क्योंकि मुझे आपको बताना था रेसिपी, तो इसलिए मैंने अलग अलग फ्राई किया है। आप चाहें तो इस तरह से भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं और इसके बाद में आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, दूध, खोया, कंडेंस मिल्क। और आप अगर कंडेंस मिल्क डालेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है और आपको शुगर भी कम ऐड करनी होती है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप खोया स्किप करके कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, थोड़ा सा मावा मेरे पास रखा हुआ था, वही मैंने दूध में ऐड किया है और मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था मावा को। अगर बाहर रखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है और उसके साथ साथ अगर हम किसी भी रेसिपी में हम उसे यूज़ करते हैं तो दूध भी हमारा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और खोए को या मावा को अच्छे से जल्दी मेल्ट करने के लिए आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा थोड़ा हाथ से ही उसे मैश करके डाला है और जैसे ही दूध में अच्छा सा बॉयल आएगा वो मेल्ट होता चला जाएगा अपने आप से। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा अगर ग्रेट करके डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाता है। एक छोटे पैन में मैंने दूध लिया था गरम और उसके बाद में उसमें मैंने खोया डाला था थोड़ा सा हाथों से क्रश करके, और जब वो अच्छे से मेल्ट हो गया था तब मैंने इसमें वापस से दूध को पलट दिया था। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है इसमें क्योंकि मावा अगर हम डालते हैं तो दूध ऑलरेडी मीठा हो जाता है तो शुगर हमें कम ही ऐड करनी होती है, तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी डाली है। और वैसे भी हम मीठा थोड़ा कम ही लेते हैं, ज़्यादा तेज़ मीठा हम नहीं खाते हैं। तो साथ ही साथ मैं गैस को भी क्लीन कर रही हूँ, दूध वगैरह थोड़ा सा शुगर वगैरह यहाँ पर गिर गया था तो मैं साथ साथ उसे भी क्लीन कर रही हूँ। शीर खुरमा मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, हो चुका है और 5-10 मिनट और पका लूँगी मैं इसको लो फ्लेम पर। आप थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं या इलायची को कूट कर आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ी सी आप चाहें तो केसर भी इसमें डाल सकते हैं, सैफ्रॉन, बट मुझे इसका फ्लेवर ऐसे ही पसंद है। मुझे और मेरे हस्बैंड को इस तरह से ही शीर खुरमा पसंद है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और प्लीज़ मेरी कोई भी वीडियो या फिर रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स भी किया करें। और अगर मेरी कोई भी रेसिपी आप ट्राई करते हैं तो उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी।
और एक टिप्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप शीर खुरमा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें आपको फ्राई करनी हैं उनको आप देसी घी में ही फ्राई करें। उससे क्या होता है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अगर आप रिफाइंड ऑयल में या फिर डालडा घी में इसे फ्राई करते हैं तो इसके टेस्ट में डिफरेंस आता है ज़रूर, जितना मुझे लगता है। और ये मेरी शीर खुरमा हो गई है बनकर रेडी, और इसकी थिकनेस मुझे इस तरह की अच्छी लगती है और मैं इसी तरह से ज़्यादा पतला नहीं बनाती हूँ इसे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ था, ये देखें। और ये मैंने कर लिया है इसे सर्व, और ये देखिए कितना टेस्टी ये बनकर रेडी हुआ है। मोस्टली मैं इसी तरह से शीर खुरमा जल्दी से रेडी करके बना देती हूँ और बहुत कम टाइम इसमें लगता है। और ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा था। मेरे हस्बैंड का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये मैंने बनाए थे दाल, मसूर की और चने की मिक्स दाल मैंने बनाई थी, और ये बनाए थे मैंने चावल। शीर खुरमे को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था, उतनी देर में हमने खाया था खाना और उसके बाद हमने एंजॉय किया था शीर खुरमा। देन मैंने वीडियो स्टार्ट की थी मॉर्निंग से, और ब्रेकफास्ट का मैंने कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड चले गए थे साइड पर, मेरा बेटा चला गया था कलामी पार्क पढ़ने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, और उसके बाद मैं करने लगी थी गेहूँ साफ। गेहूँ साफ करने के बाद मुझे जल्दी से इन्हें पिसवाना था, ताकि पहले वाले गेहूँ भी मेरे साफ़ करके रखे हुए हैं मैंने, और वो काफ़ी सारे इकट्ठा हो गए हैं। थोड़े थोड़े मैंने गेहूँ साफ़ करके रख लिए थे और बहुत सारी क्वांटिटी हो गई थी गेहूँ की, तो मैंने सोचा एक साथ ही मैं पिसवा लूँगी इनको, इसलिए मैंने थोड़े से और गेहूँ साफ किए थे। और जो जिसमें मेरा आटे का जो कंटेनर है बड़ा वाला, तो आटा मेरा फिनिश भी नहीं हो पाता है जो मैं गेहूँ साफ़ करके फिर गेहूँ पीसने के लिए देती हूँ, तो इसलिए वो कंटेनर अच्छे से वॉश नहीं हो पाया है काफ़ी दिन से। तो अब की बार मैंने वो पूरा कंटेनर का आटा फिनिश किया है, और उसी के बाद में मुझे गेहूँ पिसवा के उसमें भरना था, ताकि उसे अच्छे से क्लीन करके अच्छे से मैंने उसको सुखाया था कंटेनर को, और तब मैंने गेहूँ को पिसवाने के लिए भेजा था। और काफ़ी टाइम लग जाता है गेहूँ साफ़ करने में, मिनिमम एक घंटा मुझे लग जाता है इतने गेहूँ को साफ़ करने में, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे गेहूँ पहले से ही साफ़ करके रखे थे। तो इतने सारे गेहूँ मैंने साफ़ कर लिए हैं और उनको मैंने एक बोरे में भर के एक साइड पर रख दिया है। उसके बाद में मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग रूम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं तो डस्ट वगैरह हो जाती है और काफ़ी दूर दूर तक गेहूँ फैल जाते हैं। उसके बाद में मैंने करने लगी यहाँ पे सफाई सारी अच्छे से। और ये था बड़ा वाला कंटेनर जो कि मैंने क्लीन करके रखा है अच्छे से, और उसको धूप में अच्छे से सुखा भी लिया था, धूप लगाई थी इसको। काफ़ी सारा आटा इसमें आ जाता है। उसके बाद में मैंने लगाया था मॉप, अच्छे से पोछा लगा दिया था और फ्लोर को कर लिया था क्लीन। यह है मेरा बड़ा वाला आटे का कंटेनर, जितना भी ये गेहूं पीस के आया था, और ये फुल हो गया था एकदम। तो ये काफ़ी बड़ा कंटेनर मैंने रखा हुआ है आटे का। एक छोटा कंटेनर 5 kg का आटे का मैं किचन में ही रखती हूँ, जिसमें आटा भर के रखती हूँ मैं। और ये मैंने थोड़े से कपड़े जो कि हाथ से ही मैंने धोए थे, मशीन वगैरह मैंने आज नहीं लगाई है। उसके बाद ये कुछ बटन्स रखे हुए थे, कुछ टिक टैक वाले जो भी इसको बोलते हैं, इस टाइप के बटन मेरे पास था ये, जो कि मैंने जैकेट में से उस दिन निकाला था, और ये काफ़ी अच्छे टाइट बटन थे। तो ये जो मेरा पर्स था काफ़ी अच्छा खासा इसका साइज़ था, तो जो भी इसमें सामान मैं कैरी करती हूँ वो काफ़ी अच्छे से कैरी हो जाता है, काफ़ी सारा सामान मैं इसमें ले जा सकती हूँ।
काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि कोई इसमें चेन या हुक या कोई भी इसमें बटन्स वगैरह नहीं थे इसको बंद करने के लिए, और सारा सामान इसमें विजिबल ना हो, ना दिखाई दे कुछ सामान, तो इसलिए मैं सेंटर में इसमें ये वाले बटन्स लगा रही हूँ जिससे इजी रहेगा और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। ये सेंटर में मैं इसको लगा रही हूँ और अच्छे से लगाऊंगी ताकि ये विजिबल ना हो, ये दिखाई ना दे। अंदर की साइड में मैंने इनको लगाया था इस तरह से, तो ये बंद रहेगा, सेफ रहेगा और अपना सामान मैं अच्छे से कैरी कर सकती हूँ। और इसके बाद मैं दोपहर के टाइम मैंने बनाया था लंच और मेरे बेटे को बनानी थी एक रोटी। कभी बचपन में हम भी ऐसे किया करते थे, जो कि उसने खाई भी नहीं थी ये रोटी। ये देखें, कमेंट करके बताना किस किसने बनाई है बचपन में ऐसी छोटी छोटी रोटियाँ, किसने जिद की है मम्मा से छोटी छोटी रोटियाँ बनाने की। और उसके बाद में मैं खाने लगी थी ये बेल जो मैं घर से लेकर आई थी, बेल पत्थर भी इन्हें बोलते हैं, और काफ़ी अच्छे से ये पकी हुई थी और काफ़ी मीठी थी और पेट के लिए काफ़ी अच्छी थी। मेरे हस्बैंड को बेल का शरबत ज़्यादा पसंद था, उन्होंने शरबत बना के पिए हैं इसके, और मैंने सिंपल ऐसे ही बेल को ऐसे खाया था स्पून से और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। बट इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो बीज वगैरह रहते हैं उनको आपको एक साइड निकाल निकाल के बड़े ध्यान से खाना होता है, वरना वो बीज आ जाते हैं मुँह में और पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये देखे, काफ़ी टाइम लगता है इसको खाने में बट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज की अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह।